ये नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश सैम। आज आपको शूट में बताऊँगा ओप्पो वीवो रियलमी या रेडमी में कई सारे ऐसे मॉडल हैं जिसके अंदर आपका नेटवर्क होते हुए भी कॉल लगाने पे आपका लिखा आएगा कॉन नॉक टू कनेक्ट मोबाइल नेटवर्क। तो इस फॉल्ट को हम कैसे ठीक करें तो इस वीडियो में यही बताते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस पर बताऊँ आपको, इसमें इसका जो MTK का WTR लगा हुआ उसको भी मैंने चेंज किया था, 2GPFO को भी चेंज कर दिया, फिर भी नेटवर्क नहीं आया था। और जो मैं आपको सीधे, ज़्यादा वीडियो नहीं है, बड़ी बनाया छोटा ही बनाया, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, अगर ऐसी फॉल्ट आता है आपके पास तो आप ICO को चेंज करने से पहले सप्लाइयाँ चेक कर लें। जब सप्लाइयाँ अगर सब कुछ ओके होता है उसके बाद भी ICO चेंज करें तब भी आपका ये सेम ही प्रॉब्लम रहता है। तो आप जितने भी लगे उसके अंदर कंपोनेंट है छोटे छोटे, और जितने भी फ़िल्टर है, जैसे RX TX करके जितने भी फ़िल्टर हैं, सभी फ़िल्टर को हल्का पेस्ट लगा के सबको थोड़ा सा हिला दें, और सारे टोटली जितने भी लगे हैं फ़िल्टर सबको हिलाना है आपको। और मैंने ऐसे ही किया, मैं तो इसको रखने वाला था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने सारी ऐसे चेंज कर दिया था और सप्लाइयाँ टोटल चेक कर लिया था, सब कुछ ओके था, या तो CPU से जो भी आती है लाइन वो भी ओके थी, फिर भी इसमें नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क आ रहा था लेकिन कॉल नहीं लग रहा था, यहाँ तक आपका क्या नाम है YouTube वगैरह सब कुछ चल रहा था, इंटरनेट वगैरह प्रॉपर चल रहा था, बट इसमें कॉल नहीं लग रहा था। तो इसको मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये इसे फ़िल्टर वगैरह का प्रॉब्लम था, तो ये हमने इसको सबको हल्का हल्का हीट कर दिया है, हीट करके प्ले किया है, तब जाके हुआ है। तो ऐसी अगर दिक्कत आए किसी फ़ोन में तो IC चेंज करने से पहले सारे फ़िल्टरों को हल्का हल्का प्ले करके देख लीजिए, मतलब हीट करके हल्का हल्का हिला के चेक कर लीजिए, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। बाकी आप कोई भी वीडियो देखेंगे सब में उल्टे सीधी चीज़ें हैं, समझ के परे है, कुछ फालतू का है, लेकिन ये जो चीज़ है आपको नॉर्मली मैं करके प्रॉपर दिखा रहा हूँ, करके मैंने पहले ही देख लिया था, ओके था, तब मैंने इसको सोचा आप लोगों को बताने के लिए इस वीडियो को बना लिया मैंने। इस वीडियो में बस यही छोटी सी वीडियो है, बस यही सब सारी चीज़ें हैं। और वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।